तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिड़ीड़ितम कल्म शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर त्यागी भक्तगण का बारे में कह रहे हैं कि इन लोग के भीतर विषय बुद्धि प्रवेश नहीं किया, इन लोग शुद्ध सत्य है और जिनके मन में कामिनी कांचन का लेश मात्र नहीं होगा वही समाधि प्राप्त कर सकते हैं। दो किस्म का समाधि का बात बताया, एक ज्ञान मार्ग से निर्विकल्प समाधि और दूसरा भक्ति मार्ग से भाव समाधि। अभी शुद्ध सत्य भक्त के बारे में ठाकुर कहते हैं इसके भीतर कोई कोई नित्य सिद्ध रहता है। ठाकुर ने जीव का चार प्रकार का विभाजन किया है, एक है बद्ध जीव जिसकी संसार में मुक्ति के बारे में और बंधन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वो बराबर चिरकाल जन्म मृत्यु का चक्रवर्तन में जंजीर में फंसे हुए हैं, उनको पता ही नहीं कि वो बद्ध है। ये अधिकांश व्यक्ति ऐसी है। और दूसरा जो मुमुक्षु जीव है, जो इस बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, स्पिरिचुअल एस्पायरेंट्स, और उसके भीतर से जो मुक्त हो गया वह है मुक्त जीव, लिबरेटेड, सक्सेसफुल हो गया, इसको समाधि प्राप्त हो गया। और चौथा है नित्य मुक्त, जो कभी नहीं फंसता है, वो मुक्त होने के लिए संसार में आते नहीं, वो मुक्त होकर ही आते हैं भगवान का कर्म संपादन करने के लिए। उनका मुक्ति का प्रयास एक नाम मात्र है, लीला का सहायक रूप में। तो ठाकुर इसी को कहलाता है, कहते हैं इसको कहलाता है नित्य मुक्त, दे आर एवर फ्री। जैसे कि ठाकुर के पार्षदों के भीतर ईश्वर कोटि जिसको कहलाता है, नरेंद्र, राखाल, बाबूराम इत्यादि। तब इसमें से फर्क क्या है, ठाकुर एक उदाहरण का माध्यम से बता रहे हैं। कहते हैं मानो तुम्हें एक नया बागीचा खरीदा है, पता नहीं बागीचा खरीद लिया तो जंगल भरा हुआ, जंगल साफ करते हुए अचानक घास के भीतर एक नल देखा, तो जंगल साफ करते ही नल से पानी निकालना शुरू हो गया। तब पहले ही वहाँ पर एक कल लगा हुआ था, पानी का बंदोबस्त था, जैसे थोड़ा बहुत वो जंजाल घास साफ कर लिया और वो कल फड़फड़ करके वहाँ से पानी निकालना चालू हो गया। अर्थात ये सब भक्तों के भीतर आध्यात्मिक भावना वो सुप्त रहता है, प्रकाशोन्मुख रहता है, उनको प्रकाश करने के लिए कोई साधन भजन का जरूरत नहीं है। जैसे बगीचा में पानी लाने के लिए पानी का लाइन लगाओ, पाइप लगाओ, प्लम्बिंग का काम करो, ये सब नहीं, पहले हो चुका है। अर्थात ये सब व्यक्ति का आध्यात्मिक का जीवन का बुनियाद बन चुका है, बनाने का जरूरत नहीं है। दे आर बॉर्न विद दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, खाली अब भगवान के साथ विचरण करने हेतु इन लोग आते हैं लीला विलास करने के लिए। इसी के भीतर एक व्यक्ति था पूर्ण, उसी का बात यहाँ पर आया है,
कि बलराम बाबू प्रश्न पूछ रहे हैं। वो भक्त है, गृह भक्त है, एवं भगवान लाभ करने के लिए सचेष्ट है। उनका अद्भुत एक जो पूर्ण के भीतर देख रहे हैं, वो कहते हैं कि पूर्ण इतना छोटे हुए भी कैसे जान लिया कि संसार मिथ्या है। संसार मिथ्या है तो संसार में प्रवेश नहीं किया, संसार क्या है उसके बारे में जानकारी भी नहीं है, लेकिन इतना छोटा उम्र होते हुए भी वो कहते हैं संसार मिथ्या है। तो बलराम बाबू का ये एक प्रश्न है, ठाकुर को पूछ रहे हैं इतने छोटे उम्र में कैसे जान लिया कि संसार मिथ्या है। ठाकुर कहते हैं उत्तर से, जन्मांतरीन। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ठाकुर कहते हैं कि हमारे ये शरीर ही छोटा होता है एवं वृद्ध होता है, आत्मा का ऐसे नहीं। अर्थात इस जन्म में जैसे हम जन्म ग्रहण करते हैं तो शरीर का आयतन धीरे धीरे वृद्धि होता है, लेकिन मन का ऐसे नहीं। शरीर और मन दो अलग चीज़ है। शरीर हमारा स्थूल शरीर है जो इस जन्म के साथ उसका छह प्रकार का विकार होता है, जायते बढ़ते, उसके बाद वो विपक्षीय थे इत्यादि। अभी शरीर को वृद्धि होता है एवं आखिर में शरीर जराजीर्ण हो जाते हैं। जब हमारे अगले जन्म होता है तब हमें एक नया शरीर मिल जाता है, लेकिन हमारे शरीर के भीतर जो रहने वाले सूक्ष्म शरीर मन, वो पुराना मन ही नया शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये समझने का बात है। व्हेन वी आर बॉर्न विद ए न्यू फिजिकल बॉडी बट द ओल्ड माइंड, द ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल। ये समझने का चीज़ है। इसीलिए तो मन के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। ये शरीर चले जाने से अगले जन्म में हमें एक नया शरीर मिलेगा, लेकिन ये पुराना मन ही हमारे साथ चलेंगे। जब हमारा देहांत हो जाता है तब ये शरीर जरा जीर्ण हो जाता है। ये शरीर को छोड़कर हमारे शरीर के भीतर रहने वाले जो आत्मा है वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों को ऊपर सवार होकर ये शरीर छोड़ के चले जाते हैं एवं विभिन्न लोक को परिभ्रमण करते पुनः ये धराधाम में आते हैं। जो शिने पुण्य पुनः मर्त्यलोके विशन्ति, ये मर्त्यलोक में तब आते हैं, पुनः एक नया शरीर ग्रहण करते हैं। इसलिए ठाकुर कहते हैं जन्मांतरीन, इसका पूर्व जन्म का संस्कार था इसीलिए वो बचपन से ही ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये बात श्री कृष्ण अर्जुन को भली भांति समझाया भगवद गीता में, षष्ठ अध्याय में है ध्यान योग में। जो अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति साधन भजन करते हुए लक्ष्य में पहुंच नहीं सका उसका क्या नतीजा होगा, वो तो संसार छोड़ के वो त्याग का जीवन अवलंबन करते हुए भगवान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंचा, तो ना ये मिला ना वो मिला। ठाकुर कहते नहीं, ऐसी नहीं है। पार्थ नैवेह नामोत्र, दुर्गतिम तद गच्छति, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तद गच्छति। जो उनका कोई विनाश नहीं होता है,
अर्जुन का मन में प्रश्न हुआ, शायद ये तो विनष्ट हो गया, जीवन व्यर्थ हो गया। जैसे एक उदाहरण दिया अर्जुन ने, जो आकाश में जो मेघ रहता है, छोटा छोटा मेघ रहता है, छोटा छोटा मेघ जब एक बड़ा मेघ के साथ युक्त हो जाता है तभी वो पानी बनकर वृष्टि होता है। लेकिन कोई कोई छोटा मेघ रहता है वो बड़ा मेघ के साथ युक्त होने के पहले हवा का चक्कर में वो इधर उधर चले जाता है, विनष्ट हो जाता है। तो क्या इन लोग का भी वैसे जीवन विनष्ट हो जाता है? श्री कृष्ण कहते नहीं। पार्थ तो नैवेह नामित्र विनाशस्तस्य यच्छति, विनाशस्तस्य जायते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तत् गच्छति। पार्थ इसका ना यह लोक में ना परलोक में इनका कोई विनाश नहीं होता है। और एक गोल्डन बात बता दिया, नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तत् गच्छति, जो कल्याण किया है, जो अच्छा कर्म किया है, उनका कोई दुर्गति नहीं हो सकता है। यह हमारे जीवन में एक बड़ा भरोसा का बात बोल दिया भगवान। जो अच्छा कर्म करते हैं उनको भले ही कुछ समय के लिए लगता है कुछ विपद में फंस गया, लेकिन वो तात्कालिक है, सामयिक है। सर्वदा ये भरोसा रखना चाहिए, भगवान ने बता दिया, जो कल्याणकारी है उनको कभी दुर्गति नहीं होगा। तो उसको क्या होगा, मानो जी इस जीवन में उसका आशानुरूप अग्रगति नहीं हुआ। प्राप्य पुण्य कृत, परवर्ती श्लोक में बता रहे वर्स नंबर 41, प्राप्य पुण्य कृतान लोकान शित्ता शाश्वती समाह शुचि नाम श्रीमतान गेहे जोग भ्रष्ट भी जाए थे। वो इस जीवन में अगर भले ही लक्ष्य प्राप्ति नहीं हुआ तो फिर अगले जन्म में प्राप्य पुण्यकृतान लोका, जो पुण्यकृत है, पुण्यवान है और पुण्य जो पुण्यार्जन किया है उस लोक में, जो पुण्यवान है उसी का जो लोक प्राप्त होना चाहिए वही पुण्यगण के जाने वाले लोक में वो बहुवत्सर अच्छा तरह से ज्ञापन करते हैं। एवं उसमें वो पुण्यगण का जो जाने वाले जो लोक अच्छा जगह है जो लोक प्राप्त होता है स्वर्ग आदि लोक प्राप्त, उनको जो डिजर्विंग the place for the meritorious people, वहाँ पर जाके बहुत वत्सर वहाँ पर अच्छा टाइम समय बिता के देन पुनः शुचि नाम सीमताम गेही, जो अच्छा व्यक्ति है, पुण्यवान व्यक्ति है, जो भगवान का भजन करने वाले हैं, उसमें वो पुनर्जन्म लेते हैं। कौन लेते हैं? जोग भ्रष्ट, जिसका योग प्राप्ति में कुछ चूक हो गया था, पुण्यवान व्यक्ति है। ये जो नित्य मुक्त के बारे में नहीं कहा जाता है, ये साधारण व्यक्ति जो साधन बदन करती है भगवान को प्राप्त करने वाले हैं, इसी के बारे में ही कहा जाता है। नित्य मुक्त तो वो मुक्त हो चुका है, मुक्त होने के लिए नहीं आते हैं, मुक्त होकर ही जन्म लेते हैं। लेकिन जो साधारण व्यक्ति है जो पुनर्जन्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं उसको भी बारे में ठाकुर कहते हैं कि वो फिर पुनः जो जन्म लेते हैं तो जन्मांतरण हो गया। जन्मांतरण के बाद यहाँ पर श्री कृष्ण भी बताया जो जन्मांतर का अर्जित पुण्य कर्म राशि की वजह से उनको अच्छा जन्म होता है, अच्छा संग मिलता है। और तो उनको क्या होता है कि जो पूर्व जन्म का जो उनका जो स्मृति वो रह जाता है और वो स्मृति के अनुसार जहाँ पर उन लोग ख़त्म किया है वहाँ से पुनः वो शुरुआत कर देते हैं।
तो उनका जो पूर्व जन्म का जो साधन भजन का जो स्मृति रह जाता है, कुछ नष्ट नहीं होता है, दे रिमेन इंटैक्ट एंड विद दैट दे स्टार्ट एन्यू फ्रॉम वेयर दे एंडेड इन देयर प्रीवियस बर्थ, दे डोंट हैव टू स्टार्ट अफ्रेश। तो ये जन्मांतरीण मतलब क्या है, जो पूर्व जन्म में जहाँ तक वो था वो संस्कार लेके इन लोग आए हैं, वो आके वहाँ से आगे बढ़ते हुए भगवान को प्राप्त करते हैं। इस प्रसंग को ठाकुर और आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छा प्रसंग किया है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।